लोग कैसे आप लोग। दोस्तों बात करें 8 मई सन 2008 में तो जिसको 19165 जो कि ट्रेन नंबर है अहमदाबाद से चलकर और दरभंगा को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस को फर्स्ट इनॉग्रल रन किया गया था। और आज है 24 अप्रैल और आज के दिन इस ट्रेन को जो है कि वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक रन लोकोमोटिव के साथ जो हम लोग की जो रूट बची थी सागंज गुराशन रोड सराय मीर आजमगढ़ मोहम्मदाबाद के रास्ते, अब जो ये जो ट्रेन है वो अब आपको इंड टू इंड यानी जहां से ट्रेन चलती है और जहां तक ट्रेन जाएगी यानी अहमदाबाद से चलकर और दरभंगा तक जो ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस, अब जो आपकी जो ट्रेन वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेगी। करें इस दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस को तो जिसको फर्स्ट एलएचबी रन दिया गया था लगभग और लगभग आज से एक साल पहले इस ट्रेन को फर्स्ट एलएचबी रन दिया गया था। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो फर्स्ट एलएचबी रन की आप वीडियो जरूर देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस को अगर आपको यात्रा देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो यात्रा देख सकते हैं। मैंने एक बार इस ट्रेन में यात्रा किया था वो भी डीजल इंजन के साथ था, वो आप जरूर यात्रा देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लें या तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लें, आपको जरूर वो यात्रा देखने को मिलेंगे। और अभी मेरे पीछे जो पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं ICF कोचों में, ये जो ट्रेन है वो लखनऊ जंक्शन से चलकर और वाराणसी सिटी को जाने वाली कृषक एक्सप्रेस है। और इस ट्रेन के मैं आपको बताऊं तो ये जो ट्रेन है वो मऊ की केवल एक ही ऐसी जो ट्रेन है जिस ट्रेन को ISO सर्टिफाइड किया गया था। और यहाँ पे खड़ी है अपनी ट्रेन नंबर 15025 जो कि मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस है जो कि सागंज और बाराबंकी रूट पे इस ट्रेन को सबसे पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वाली जो पैसेंजर जो ट्रेन है वो दिया गया है। और आखिरकार जिस चीज की जो इंतजार थी वो आज पूरा हो गया इस सागंज और आजमगढ़ के रूट पर। अब जितने भी आपको ट्रेनें दिखेंगे या तो LHB या तो ICF सभी ट्रेनें अब आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखने को मिलेंगे। और उसमें से सबसे आज तीसरे नंबर पे जो ट्रेन आ रही है ट्रेन नंबर 19165 अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, और आज ये WP7 लोकोमोटिव के साथ जो है वो ट्रेन आई है। और देखते हैं कि किस सेट का जो लोकोमोटिव है वो है। हालांकि इतना तो जरूर पता है कि वडोदरा सेट का WP7 होनी चाहिए और उसके बगल में भाई साहब लगे हैं मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस। भाई बहुत ही भाई अच्छी लग रही है आज जो निरंतर जो ट्रेन है वो आप इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती आएंगी। और जी हाँ वडोदरा सेट का WP7 लोकोमोटिव के साथ जो ट्रेन है वो आज आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो वडोदरा सेट का WP7 लोकोमोटिव के साथ जो अहमदाबाद जो दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस है वो अब आ चुकी है इस मऊ रेलवे स्टेशन पे। और पहले जो ट्रेन थी वो अब डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी और अब जो ट्रेन है वो न्यू एलजीफाइड और न्यू जो लोकोमोटिव है उसके साथ चल रही है। देख सकते हैं कि जो WR की जो लोकोमोटिव है भाई भाई बहुत ही भाई ब्रांड एकदम, मतलब लगता है कि ऐसा पूरा धुला उला कर जो इसको इंजन मिला है आज वो भी वडोदरा सेट का WP7 37579 लोको नंबर। और भाई बहुत ही अच्छी मोस्ट लेजेंडरी लग रही है। और फिलहाल इस ट्रेन का हम लोग देखते हैं यहाँ से इसका डिपार्चर। और भाई इतना तो अब आप लोगों को पता ही हो चुका होगा कि आपको सागंज और मऊ रूट पे अब जितने भी आपको ट्रेनें देखने को मिलेंगे वो निरंतर आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखने को मिलेंगे, चाहे वो ट्रेन मालगाड़ी हो, चाहे वो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन हो, चाहे वो ट्रेन कोई स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं हो, अब सारी ट्रेनें आपको इस रूट पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी जो निरंतर जो ट्रेनें हैं वो आप इस रूट पे आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखने को मिलेंगे। और हालांकि एक रूट और बची है आपको मैं बता दूं कि उस रूट पे भी बहुत कम मतलब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जाती थी, अब उस रूट पे भी जो ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक से जाएंगी। जो रूट था वो बचा था, उस रूट को तो बहुत पहले इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था लेकिन जो ट्रेनें थी वो भी जाती थी उस पे उस रूट पे। और फिलहाल अभी मैं बताऊं कि आज रेलवे स्टेशन पे बहुत सारी जो ट्रेनें हैं भाई वो बहुत ही लेट हैं। और इधर आपको देखने को मिलेगा लुधियाना सेट का WAG9। और जो ट्रेन का जो सिग्नल है वो हो चुका है और उधर से आप देख सकते हैं जो उधर जो ट्रेन जो जा रही है वो संटिंग के लिए जा रही है जो कि मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस है। और यहाँ पे अब लोको पायलट अंकल फ्लैग ऑफ करने वाले हैं और जो ट्रेन है भाई थोड़ी सी और हॉन्किंग दे दे तो और अच्छा रहेगा।
अब आपको साबरमती एक्सप्रेस में भाई सबसे ज्यादा आपको वडोदरा आपको सबसे ज्यादा वडोदरा सेट का ही WP7 देखने को मिलेंगे इस ट्रेन में। और भाई ट्रैक साउंड कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको इस ट्रेन में मऊ रेलवे स्टेशन पे जितने भी स्लीपर क्लास हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। और इस ट्रेन में आपको दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस में आपको थर्ड एसी के 4 कोच देखने को मिलेंगे और जनरल के आपको 3 और स्लीपर क्लास के आपको 7 या 8 आपको देखने को मिलेंगे। और सेकंड एसी का आपको 2 कोच देखने को मिलेगा और एक इस ट्रेन में आपको एक्स्ट्रा कोच सेकंड एसी का लगाया गया है। और दोस्तों आप लोग को ये पूरी ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोग से किसी और नए ट्रेन जर्नी में और किसी और नए ट्रेन के इन्फॉर्मेशन वीडियो में।